गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति जी घर में आ गए हैं और उनके प्रसाद के लिए हम बना रहे हैं 7 लोगों के लिए सूजी का हलवा। प्राची जी हमें सिखाएंगे इजीएस्ट वे में किस तरीके से बनता है सूजी का हलवा। 2.5 कटोरी सूजी ली है हमने, आगे की रेसिपी बताएंगे प्राची जी खुद। ये है घर का घी। व्यूअर्स आपके पास घर का घी ना हो तो आप वीटा वगैरह ले सकते हो। नाप के हिसाब से ही आपको बताएंगे कि कितना घी लेंगे। 1 कटोरी से ज्यादा मैंने घी लिया है। तो देख लीजिए, अगर आपने 2.5 कटोरी सूजी ली है तो आप 1 कटोरी करीब घी ले लीजिए। हाँ। घी हल्का सा गर्म हो गया और इसमें हमने डाल दी सूजी। कुछ लोग 1:1 का रेशो रखते हैं घी के लिए, बट वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। हाँ, हमें कम डालिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है, इस वजह से हम ऐसे बना रहे हैं। पर टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इस बात का अश्योरेंस है। मैम, हम आँच कैसी रखेंगे, तेज रखेंगे स्लो रखेंगे? पहले तो मैंने एकदम गर्म कर लिया था, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है, कम आँच पे ही होगा ये। तो सूजी धीरे धीरे भुनती जाएगी और जितना ज़्यादा भुनेगी अच्छे से उतना उसका टेस्ट बढ़ेगा और खुला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, आराम आराम से चलाते हुए हम इस सूजी को भूनते जा रहे हैं। नीचे जो लगेगी वो थोड़ा व्हाइट कलर की होती जाएगी और धीरे धीरे करके अपना सारा कलर ये चेंज कर लेगी। और मैं क्या कर रही हूँ, करीब इसे भूनते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। मध्यम आंच पे हमने भूना था और भूनने के बाद ऐसा कलर, ध्यान से देख लीजिए, ऐसा कलर आ गया, तब हमने गैस बंद कर दिया है। गैस बंद कर दी है, ये अच्छे से फैला रहे हैं इसको। अब मैंने ये फैला के रख दिया है क्योंकि कढ़ाई तो गैस मैंने बंद कर दी है, अब कढ़ाई रहेगी गरम। अब जो गरम गरमाई है उससे और अच्छे से वो भूनते रहेगा अपने आप, बल्कि मैंने गैस तो बंद कर दी है। अब मैं इसके बाकी का शक्कर, दूध और पानी का जो घोल है वो तैयार करके रख देती हूँ। मीनवाइल ये अच्छे से और भून जाएगी, अपने आप भून जाएगी। अब हिलाते रहने की जरूरत नहीं है, कढ़ाई गर्म है, गैस बंद है और ये पूरा फैला हुआ है। 2.5 कटोरी जो हमने सूजी ली थी, तो अब हम लेंगे 2.5 कटोरी दूध और 2.5 कटोरी पानी और 2.5 कटोरी शक्कर, और ये अलग से बर्तन में मैं एक इकट्ठा करके अच्छे से उबालूंगी। मीनवाइल ये जो सूजी हमने फैला के रखी है इस कढ़ाई में वो भूनती रहेगी, गैस बंद है इसकी। 2.5 कटोरी दूध, 2.5 कटोरी पानी और 2.5 कटोरी सूजी और 2.5 कटोरी शक्कर, बाकी आप देख लीजिए, चीनी थोड़ी कम रखना चाहें तो बेहतर है। तो सीधा साधा हिसाब है, 2.5 कटोरी दूध, 2.5 कटोरी पानी, 2.5 कटोरी सूजी और 2.5 कटोरी शक्कर। चीनी डाल दी थी और इसे अब हम एक बार उबाल रहे हैं, हिलाते हिलाते उबालेंगे ताकि चीनी नीचे ना लगे। अब ये देखना, ये अच्छे से उबलने लगा है, जो शक्कर है वो घुल गई है। अब हम डालेंगे इसमें सूजी। सूजी डालने से पहले मैंने इसका जो स्टीम है वो कम कर दी है, एकदम कम कर दी है। अब जो सूजी है वो हमें धीरे धीरे इसमें मिक्स करनी है और उसका एक साथ पकड़ ना जाए, गोला ना बन जाए, ये हमें ध्यान रखना है सूजी डालते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसके गोले ना बने बीच में। व्यूअर्स ध्यान दीजिएगा इस चीज का, सारी मेहनत पानी में जा सकती है, मतलब दूध में। अब ये है पीछे से। हाँ, ये देखिए अच्छे से लाल हुई है, ये देखिए। धीरे धीरे करके डालेंगे।
इसके बाद सूजी का हलवा बनाना बाएं हाथ का खेल है। सारी मेजरमेंट्स आपको बता दी हैं, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आराम से बनाइए, आराम से भूख लगाइए। मिला लीजिए अच्छे से, ये देखिए गोले बन सकते हैं। तो इसीलिए खिलाते रहना चाहिए इसके लिए। ये देख पा रहे हैं सभी, इसको फोड़ लो। अब मैंने गैस कम कर रखे है और मैं इसको थोड़ा सा मैंने गैस बढ़ा दी है। मीनवाइल इस हलवे में हम दे रहे हैं एक ट्विस्ट, आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। इसमें हम डाल रहे हैं बनाना, देखिए कैसे कट रहा है। ये मैंने ऐसे निकाल लिया, अब छोटे छोटे इसके कट निकाल के रखूंगी मैं इसमें। आप इस बनाने का बनाना की जगह हो आप पाइनएप्पल भी ले सकते हो या अमरूद भी ले सकते हो, जिस फ्रूट का स्वाद आपको पसंद है वो फ्रूट आप यहाँ डाल सकते हो। ये देखिए हमने ढक्कन खोल दिया, हमें लग रहा था कि ये पतला हो रहा है और हम थोड़े से डर सकते हैं इस मौके पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये अच्छे से अब इसे स्टीम से फूल गया है। देखते हैं इसे, ये देखिए, अरे वाह, अब हम इसमें प्यारा। अब इसमें डाल रहे हैं हम एक कटोरी बनाना। अब हमने इसमें हमें और भी डालना है इलायची पाउडर डाल रहे हैं हम लोग। डालनी है हमें, इसमें पाइनएप्पल का ऑरेंज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब जो थोड़ा घी पहले हमने कम यूज किया था भूनने के लिए, वो अब अच्छा घी का स्वाद आ जाए इसलिए बाद में डालना है। इस वक्त हमने इलायची पाउडर डाल दी और केला के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर रही हूँ ऊपर से, और ये मैं अब फिर से अच्छे से हिला के फिर एक स्टीम दे दूंगी और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत कम मेहनत में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लगातार इसे चलाते रहेंगे, मिनिमम मेहनत में ये हलवा तैयार हो गया, तभी हमारे चैनल का नाम है हेल्दी इजी और टेस्टी। और इस तरह हमारा ये टेस्टी हलवा बन के तैयार है। बप्पा जी को भोग लगा देते हैं। गणपति बप्पा मोरिया।